गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैंने आज मेहंदी लगाई हुई है क्योंकि कल रात तक मैंने ब्लाउज स्टिच किया था, तो मैंने सिंपली मेहंदी लगाई है क्योंकि मैं ना अरेबियन मेहंदी लगा लेती हूँ, ब्राइडल लगा लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन जब से मैं लगाना शुरू किया था ना उस टाइम पर मैंने इतनी लगा ली थी कि अब मेरा दिल नहीं करता वो एकदम वैसी मेहंदी लगाने का, और वैसे भी मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था तो मैंने ये सिंपल वाली मेहंदी लगाई हुई है। ये तुरंत लग जाती है, ये रावलदास की मेहंदी आती है ना 10 रुपये की कौन हो वाली, तो मैंने अभी इस पे बिंदी बिंदी लगाऊंगी। और लड्डू हमारा सो गया है, लड्डू को दिखाओ, लड्डू शैतानी कर करके सो गया है बेचारा। तो अभी मैं खाना भी बनाऊंगी, वैसे आज बाहर का प्लान था बट घर पे ही बनाऊंगी फिर मैं। और ये सारा सामान लेके आ गए हैं और मैं क्या बोलूँ, सुबह से तो बिजी थी काम में और आज मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। तो देखो पता नहीं मैं क्या पहनने वाली हूँ, अभी मैंने डिसाइड भी नहीं किया, मैं सोच रही हूँ यही पहन के पूजा कर दूँ क्योंकि मेरा ऐसा हो रहा है ना कि मेरा ब्लाउज स्टिच हो गया और थोड़ा सा लूज है, कल रात तक मैंने स्टिच किया था अपना ब्लाउज, तो मैं नहा ली हूँ, हेयर वॉश कर लिया है, अपनी छोटी वाली झुमकी और मंगलसूत्र पहन लिया है। तो चलिए मैं इसको अभी वॉश कर लूँ और यहाँ पर बिंदी बिंदी लगा लूँ। अभी मुझे नेल पेंट लगानी है, पायल बिछुआ पहनना है, लगाना है बिंदी या मेहंदी, नहीं पायल बिछुआ पहनने हैं और नेल पेंट लगानी है। तो नेल पेंट लगाऊंगी, चूड़ी वगैरह कुछ भी मैंने डिसाइड ही नहीं किया क्योंकि हम लोग चले गए थे उज्जैन, तो वहाँ से लौटे घर का बहुत सारा काम हो गया था, वो सारा काम किया, तो इस चक्कर में कुछ भी तैयारी नहीं हुई मेरी। और मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं करवा चौथ किसको दे रही हूँ और मैं क्या लेके आई हूँ, साड़ी लेके आई हूँ और मैं किसको दे रही हूँ इस बार, वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो ब्लॉग में बने रहना। और आप सभी स्वागत स्त्रियों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी सभी के हाथ भी नहीं जुड़ पा रहे, सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करे, उनको लंबी उम्र दे, और ये वाला दिन तो ना सभी स्त्रियों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। चलिए मैं वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेहंदी मेरी लग चुकी है, आप लोग देख सकते हो ये, और मेरा फेस आपको डाउन लग रहा होगा, ना के आई हूँ तब से फेस पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कौन सी वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने अभी जब ज्वेलरी निकाली थोड़ी बहुत पहनूंगी, वो ज़्यादा तो नहीं पहनूंगी क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ, इस वजह से मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। ये है पेटीकोट और ये है साड़ी, ये साड़ी पहनने वाली हूँ मैं, और ये है इसका ब्लाउज इस साड़ी का, और इसके ऊपर से लूँगी मैं रेड कलर की चुनरी। तो ये ब्लाउज मेरा स्टिच हो चुका है, रेड कलर की चुनरी लूँगी, कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी निकाली हुई है मैंने। तो ये रही मेरी ज्वेलरी, अभी इनमें से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कौन सा पहनूँगी, तो अभी मैं साड़ी पहनने के बाद जो अच्छा लगेगा वो पहन लूँगी। और ये है मेरी ईयर रिंग्स, ये वाली झुमकी पहनने वाली हूँ रेड कलर की, ये है मेरी रिंग्स देख सकती ये वाली, ठीक है। ये है मेरी नाक की वाली जो कि अलग से मैंने अभी निकाल के इसी में रख दी है। ये है मेरे कंगन जो कि मैं पहनने वाली हूँ, रेड चूड़ियाँ मैंने ऑलरेडी पहन ली हैं नहाने के बाद क्योंकि मैं प्लेन चूड़ियाँ ही पहनती हूँ कांच की, तो ये मैं पहन लूँगी ये वाले कंगन। तो और भी दिखाती हूँ, और एक ये वाला नेक पीस है रेड वाला, तो ये भी पहन सकती हूँ, देखती हूँ कौन सा अच्छा लगेगा वही वाला पहन लूँगी। अभी चुनरी बेड में से निकालूँगी, चौकी निकालनी है, बहुत सारा सामान निकालना है। तो ये है साड़ी जो मुझे किसी को देनी है, किसको दूंगी मैं ये आपको आगे बता दूंगी। इसमें है मेकअप का सामान, ये हैं चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों का सगुन होता है, तो मैं रेड कलर की चूड़ियाँ लेके आई थी, ये शक्कर के करवा लेके आए हुए हैं, आज लेके आए थे, आज तो 50 रुपये का एक मिल रहा है, 2 करवे हैं इसमें, चावल भरूँगी मैं तो चावल लेके आए हैं ये, और मिट्टी का करवा भी लेके आए हैं नहीं, और ये है मेरा करवा जो कि हम लोग उज्जैन से लेके आए हुए थे, कितना छोटा सा क्यूट सा है ना। और ये है मिठाई जो कि पूजा के लिए, ये मैंने एप्पल वॉश करके रख दिए हैं, ये केले यहाँ रख दिए हैं, तो सारी चीज़ें मैंने धुल के रख दी हैं, सारी तैयारियाँ कर रही हूँ मैं अभी, उसके बाद होंगी रेडी। तो ये है हमारा मंदिर और यहाँ पर लगाऊँगी मैं चौकी और यहीं पर करूँगी पूजा, इस घर में मेरी पहली पूजा है। और ये माला वगैरह लेके आ गए हैं, कैलेंडर वगैरह, तैयारियाँ करूँगी पहले मैं खाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। ये है मेरे पायल बिछुआ जो कि मैं आज पहनने वाली हूँ न्यू। तो किचन के सारे काम से हो गई हूँ फ्री, और सब्जी बन गई, खीर बन चुकी है, आटा लगा दिया है, और जो आटे के वो बनते हैं ना आसफारा वो भी बना दिए हैं,
सैलेड कट करके रख दिया है, आटा लगा के रख दिया है बस अभी पहले, और पुआ का घोल बना दिया है। तो अभी मैं रेडी होके पुआ पूड़ी बनाऊंगी भोग के लिए, खाने के लिए बाद में बनाएंगे। अब मैं होती हूँ रेडी, मेरा दिल कर रहा है मैं यही पहन के पूजा कर लूँ, बट ये बोल रहे हैं कि नहीं पहन लो, कोई बात नहीं है। तो बस अब मैं रेडी होती हूँ, वैसे हल्का फुल्का होंगी ज़्यादा नहीं, और चौक लगा दिया है गाय के गोबर से। चलो फिर चौकी वोकी लगाएंगी, पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। इनका चल रहा है अभी ऑफिस वर्क। मेरे लिए लेके आए हुए हैं गजरा, गजरा मोहब्बत वाला, गजरा मोहब्बत वाला, आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल है। A few moments later. तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। तो रियल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कैमरे में ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा निकल के ना। और मेरे हाथों की मेहंदी ये रही सिंपल सी। चलिए मैं भूख के लिए पूड़ी बनाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। अभी ये तो बहुत ज़्यादा बिजी है मीटिंग से, इनकी करवा चौथ वाले दिन ही या तो मैच आता है या फिर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, आज इनकी अर्जेंट मीटिंग है। आज मैंने लगाया हुआ है गजरा जो कि मेरे पतिदेव लेके आए हुए थे, और ओरिजिनल गजरे की बात ही अलग होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं दूसरे वाले ईयरिंग्स पहनने वाली थी बट वो मुझे मिल नहीं रहे थे, वो भी रेड कलर में थे बट वो मुझे मिल नहीं रहे थे। और मेरी नोज रिंग कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना ये वाली। चलिए चलते हैं। हाय, ये मेरा लुक, फुल लुक आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं जाती हूँ किचन में। तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैं अकेली हूँ, काम भी बहुत हो गया है अकेली के लिए, ऊपर से मेरा फास्ट भी है, और आज मुझे थोड़ा लो फील हो रहा था ना इसलिए। ऊपर से सबसे ज़्यादा ना लड्डू परेशान कर रहा है मुझे, दौड़ा दौड़ा के इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। मैं चौक लगा रही थी तो बार बार आ रहा था, सामान को उठा रहा था, इसने बहुत ज़्यादा तंग किया है। बोलते हैं ना जब बच्चे चलने लगते हैं तो सच में बहुत परेशान करते हैं यार, उनकी बहुत ज़्यादा रखवाली हो जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गाय के गोबर का चौक लगाया। हर पूजा में गाय के गोबर का चौक लगता है जैसे कि आप सभी को पता ही है, बहुत शुभ होता है। उसके बाद मैंने आटे का लगाया और उस पर मैंने चौकी लगाई और लाल कपड़ा लगा दिया। अब इस पर पूजा की सारी तैयारियां कर लूँगी। साथ में लड्डू को मैं भगाते जा रही थी। पतिदेव आज भी मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि हम लोग चले गए थे तो बहुत ज़्यादा छुट्टी भी हो गई थी, और अभी ना इस टाइम पर वर्कलोड भी ज़्यादा है। तो बस मैं यहाँ पे जो मैं साड़ी दे रही हूँ वो मैं रख रही हूँ, सारा श्रृंगार, चांदी की बिछुआ सब कुछ इसमें लगा के मैंने रख दिया है। देखो मैं जितना जानती हूँ मैं अपने हिसाब से करती हूँ, सब लोगों के यहाँ अलग अलग होता होगा, और मैं हमेशा हर पूजा के बाद जो भी गलती हो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ भगवान से, माता रानी से, क्योंकि हम नहीं जानते यार। मैंने हमेशा से अकेले ही पूजा करी है, पहले हम मुंबई रहते थे जब भी, और इतने सालों से आप लोग देखते ही आ रहे हो कि मैं अकेले ही पूजा करती हूँ। हर पूजा में मेरे पतिदेव शामिल होते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। ये हमारी सीख जो कि गली में ही बिकने आई थी तो बहुत अच्छी सीख मिल गई थी, एक आंटी थी वो देने के लिए आई थी, 10 रुपए की 5 सीख ऐसी दे रही थी, तो फिर मैंने उनसे ले ली थी। और यहाँ पे ये फूल माला लेके आए हुए हैं, मैं लगा देती हूँ कैलेंडर, क्योंकि वो तस्वीर वाली मैंने ली थी, पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे मिल नहीं रही थी, शिफ्टिंग के चक्कर में गायब हो गई शायद कहीं, तो फिर ये लेके आ गए पोस्टर। और यहाँ से मैं एकदम नया मिट्टी का दीपक निकाल रही हूँ क्योंकि दीपक मैंने इकट्ठे मंगा के रख लिए, क्योंकि हर पूजा में दीपक लगते हैं, फिर बार बार एक एक दीपक कहाँ से लेके आएंगे, तो इकट्ठा लेके आ गए थे दीपक। और यहाँ पर देखो लड्डू मेरा भोला बच्चा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन हाँ मैंने पूजा ये सब मैंने तैयारी कर रही हूँ उससे पहले मैंने इसका पेट भर दिया था, इसको खाना खिला दिया था, क्योंकि पर मुझे ये लगा रहता है कि यार बच्चा भूखा होगा तो पहले इसका पेट भर दो फिर आराम से सारे काम करो। तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गई थी मैं क्योंकि सारी तैयारी मैं खुद ही कर रही थी। और देखो हमारा लड्डू ना पैर छूना सीख गया है, तो मेरे लक्ष्य के, और अपने भी पैर छू लेता है, हम उससे बोलते हैं ना लड्डू के पैर छू लो तो अपने पैर भी छू लेता है। उसके बाद आ गई मैं भोग के लिए पूड़ी पुआ बनाने के लिए, खीर ऑलरेडी मैंने बना ली है। आज मैंने ज़्यादा खाना नहीं बनाया क्योंकि व्रत वाले दिन ना ज़्यादा, मतलब मैं इतना बना लेती थी तो फिर वो दूसरे दिन तक चलता था, इसलिए फिर इन्होंने बोला कम ही बनाना। और ये गए हुए हैं ऊपर क्योंकि ऊपर हम लोग चाँद देखेंगे, तो ये बल्ब लगाने गए हैं क्योंकि अंधेरा था ऊपर तो उजाला भी चाहिए, तो मैं नीचे से प्लग लगा रही थी। और मैं इनसे बोल रही थी कि आराम से लगाना, मतलब क्योंकि यार मुझे लाइट से बहुत डर लगता है, लाइट से पानी से बहुत डर लगता है मुझे। तो बस पूजा के लिए भोग बनाने के बाद मैं मंदिर में भी भोग लगाऊंगी, नीचे जहां मैं पूजा करूंगी वहां भी लगाऊंगी, यहां पे मैं अज्ञाई के लिए कंडे में आग लगा रही हूं।
और अभी थोड़ा टाइम लगता है इसलिए गैस पे ही मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। और जब तक ये भी अपनी मीटिंग से फ्री हो जाएंगे फिर हम आराम से बैठ के पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज मंदिर की पूजा कर रही हूँ, मतलब टाइम हो गया था, आज थोड़ा लेट ही हो गई थी, वैसे जल्दी कर देती हूँ बट आज थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि अकेले की वजह से और चाँद भी निकलने ही वाला है। तो बस मैं मंदिर में पूजा करूँगी तुलसी मैया पर और बाहर मतलब जो भी मेरे पेड़ पौधे लगे उन पर दिया रखने के बाद फिर हम लोग करेंगे करवा चौथ वाली पूजा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये मेरी 13वीं करवा चौथ है और मैंने सब लोगों को दे दी है करवा चौथ, मतलब सासू माँ को तो बहुत बार दे दी है मैंने, तो अभी सबको बारी बारी से दूंगी। बट इस साल मेरा मन था तो मैं इस साल भटियारी को दे रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हो, जो झाड़ू वगैरह लगाती हैं ना उनको दे रही हूँ मैं, ऐसा मैंने सुना है बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है तो मैं उनको ही दे रही हूँ इस साल, साड़ी और जो भी बिछुआ श्रृंगार। और मेरा मानना ये है करवा चौथ चाहे कौन से त्यौहार पे दो या ना दो लेकिन करवा चौथ ना एकदम पतिदेव के लिए रखते हैं ये वाला व्रत, तो हर साल इस वाले व्रत में आपको कुछ ना कुछ दान देना ही चाहिए। तो बस मेरा मानना यही है, तो मैंने बस मन से अपनी श्रद्धा से जो मुझ पर बन रहा है मैं उनको दे रही हूँ। बज के 12 मिनट हो गई है, चांद निकल आया है लेकिन हमारी छत से नहीं दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है लेकिन पेड़ में से दिख रहा है तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा तभी मैं देखूंगी, पड़ोस वाली छत पे से देख सकते थे हम ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ के, बट फिर मैं जा नहीं रही, मना कर रहे हैं लड्डू को लेके जाओ कूद के जाओ साड़ी खराब हो जाएगी, ये थोड़ा और इंतज़ार करो, तो पेड़ में से दिख रहा है तो अभी हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पर मेरी पूजा की थाली रखी हुई है, लड्डू शैतानी कर रहा है, लड्डू बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहा है ये, और इन्होंने छत पे बल्ब लगा दिया है। चलिए कर लेते हैं पूजा ऊपर, मेरा चांद मुझे आया है नज़र लेकिन अभी नहीं आया, आएगा अभी। तो ये देखो 9:15 बज गए, चांद हमारा इतना लेट निकला है क्योंकि इस पेड़ की वजह से, चांद हमारा है आपका नहीं है, हाँ मतलब जिसका भी है चांद किसी का, और ये जिनके ऊंचे ऊंचे मकान बने हैं ना वो आधा घंटे पहले ही निवट के चले गए। अब याद रखना इन लोगों ने माना है इन लोगों ने कुछ तो तुमने कर्म किए हैं कि ये मकान ऊपर नहीं हो पा रहे। पता मैं इनसे ये बोल रही थी कि गुड़गांव में सही था, मतलब सबसे ऊंचा मकान था हमारा बिल्डिंग, हमारा 4 मंजिल मकान, सब लोग वेट करते थे हम सबसे पहले पूजा करके चले जाते थे आसपास को, लेकिन ये बता रहे हैं ये वाला पेड़ अब बढ़ गया ना इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है, अभी दिख रहा है। लड्डू को देखना, लड्डू लड्डू कैसे झाक झाक के देख रहा है, चलो नए लोग मिले ना, अरे देख लो चांद देख लो, यहाँ से दिख रहा है, चलो चलो।
समय हो गया है 10:15। ऊपर से हम लोग पूजा करके आ गए हैं फाइनली। और आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। हम लोग ना 8:15-8:30 पे निबट जाते। हाँ, क्योंकि हम 8:30 तो नहीं, पर 9:30-9:30 पे निबट जाते। हाँ, अगर मेरा मकान ये वाला 2.5-3 मंजिल होता तो। हाँ, और मैं कैसी लग रही हूँ? मंजिल से पूरा दिखता चांद, कुछ भी नहीं है हमारे सामने जहाँ चांद निकलता है, सिर्फ पेड़ है। पेड़ है जो बुर्ज खलीफा, उसकी चोटी तक जाने के लिए इंतजार करना पड़ा इनको उस चांद। सुनो यार, इसलिए इस चांद का दीदार थोड़ा लेट हो गया। सुनो, ये मुझसे बोल रहे थे ऊपर कि तुम छलनी से अब मुझे देख रही हो, तो फिर तुम्हें सुबह से मुझे देखना नहीं चाहिए था। बिल्कुल, मुझे बाहर रहना चाहिए था कहीं। तुम जब मुझे देखनी थी तो उसी में से देख। अच्छा, तो ऐसे का मतलब पूरे दिन ऐसे घूर घूर के देखा है? घूर के देखा, मतलब देखा है, फिर तो मैं ऐसे छलनी से देख रही हूँ। और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ आज? आज सही लग रही है, सच बताओ? आज अच्छी लग रही है, कसम से। हर बार से ज्यादा अच्छी आज लग रही है। और लोग पता नहीं, आप लोग बताना, आपने पिछले साल का भी लुक देखा होगा और उससे भी पिछले साल का देखा होगा, बट इस साल का लुक बताना आप, मेरा कैसा लग रहा है, आपको कैसा लगा? और ये गजरा भी लेके आए थे तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। अरे कंगन मैंने न्यू पहने हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलो फुल लुक आपको दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से। जो मेरी नई साड़ी है ना, जो मैंने अभी ली है, वो उनमें से एक साड़ी है ये, तो मैं दिखा देती हूँ उनसे। वो सुनो, मेरे जरा फुल लुक दिखा दो। ये है, ये गजरा है, ये चुन्नी है। अरे यार, और ये साधना है, और पीछे मुड़ो, गुड, पीछे या आगे, ये पूरा लुक है इनका। कैसी लग रही है मेरी साड़ी? मस्त लग रही है। एक्चुअली मैं दूसरी वाली साड़ी पहनने वाली थी, बट क्या था ना कि उस पर रेड चुन्नी सूट नहीं कर रही थी, तो मैंने। और इनकी मेहनत देखो, तो इनकी मेहनत देखो, इन्होंने इस साड़ी का ब्लाउज खुद बनाया है कल रात में। और आप मेरी मेहनत देखो, ये मैं खरीद के लाया हूँ। हाँ, तो ये मुझे लेके नहीं गए थे, जरूरत नहीं थी ना, तो क्योंकि मैं जिस काम को 20 मिनट में कर सकता हूँ उसमें तुम 2 घंटे लगाती हो। आपको ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है और कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है ये बताना। अब की बार मैंने सोचा कि थोड़ा लाइट कलर की पहनती हूँ। और देखो लड्डू, नो, लड्डू ने हमें इतना परेशान कर लिया है, बताना जरा कितना परेशान किया है। बहुत परेशान, जैसे ये कुछ भी करती वो ताली बजाता, वो जय जय करता, वो वहाँ घुस जाती हूँ। अभी कल क्या मेरी दीदी से बात हो रही थी, तो मेरी दीदी कह रही थी कि मैंने क्या बोला, मुझे ब्लाउज सिलना है। मम्मी भी थी लाइन पे, तो मम्मी बोल रही कि अब ब्लाउज मत सिली हो, क्या करेगी सिल के, कोई और पहन ली हो। मैंने बोला मम्मी नहीं, अब तो सिलूंगी मैं ब्लाउज, आज ही सिलूंगी रात में, कल तो करवा चौथी है। तो मैंने बोला मम्मी क्या करूँ, बहुत टाइम बाद ब्लाउज सिल रही हूँ और थोड़ा मुझे वो भी लग रहा है। पर तो क्या बोलती दीदी कि अब तू तो पहले से ना थोड़ी कामचोर हो गई है। सही कह रही थी, आलसी हो गई है। अच्छा, बकवास करो, भैंस हो गई, भैंस खा के। गजब बेइज्जती है। मैंने बोला देख, आलसी और खाने वाला दो ही हो। हाँ, मैंने क्या बोला, मैंने कि काम इतना ज्यादा नहीं है, और मतलब ठीक है दीदी भी आने लगी, बट लड्डू के पीछे भागते भागते खाना भी बनाती हूँ ना, 1 घंटे का खाना 2.5 घंटे में बनता है, क्योंकि तो लड्डू आ जाता है, बर्तन फैलाता है, इधर उधर भागता नहीं, देख टाइम नहीं मिलता बच्चे पे। ये बात है, पैरों में दर्द हो जाता है यार, अब तो कुछ खतरनाक ज्यादा ही हो गया है। देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये बाथरूम में घुस जाएगा अब, ये जबरदस्ती कर रहा है ये बाथरूम में जाने को। और फिर ये इन्वर्टर के पास चला जाता है, इन्वर्टर बंद कर देता है। टाटा कर लो, मैं रेडी होके आई थी ना, इतना खुश हो गया था बहुत। टाटा कर लो लड्डू, पैर छू मम्मा के, पैर छू मम्मा के, पैर छू, पैर छू मम्मा, पैर ही नहीं दिख रहे, वो अपने छू रहा है, तुम्हारे पैर ही नहीं दिख रहे, पैर छू। हाँ, तुम्हारे पैर दिख गए, छू लो अपने, पैर छू लो, आज मम्मा के पास आज। अच्छा बच्चा बहुत शैतान हो गया, गंदा सारे दिन इसकी शैतानी चलती रहती है। चलो दोस्तों, अब इसको मजे आ रहे हैं। बताओ बताओ दोस्तों, कुछ बता दो। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सभी के स्वागत की रक्षा करे, और हर सुहागन के मतलब जीवन में ये दिन बार बार आए, मतलब हर साल आए, और बस यही प्रार्थना करती हूँ।
और मैं आपका करवा चौथ कैसा रहा मुझे बताना। ये ब्लॉग मुझे नहीं पता कब तक जाएगा, क्योंकि लड्डू की वजह से मेरे ब्लॉग ना बहुत लेट हो जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग का इशू हो जाता है, मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, काम भी बहुत हो जाता है, सुबह शाम का खाना पीना और भी आपको पता है। और मैं कैसी लग रही हूँ मेरा लोग जरूर बताना। और आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब ज्यादातर मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हूँ और रहूंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर 15-15 सेकंड की वीडियो होती है, यहाँ पे बहुत एडिटिंग में टाइम लग जाता है और इतना आप लोग प्यार भी नहीं देते हो यहाँ पे, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा एक दो फोटो क्लिक करवाती हूँ और उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। क्यों साथ में? A few moments later. चुप कर, ये ला मुझे दो, मुझे दो, मैं करूँ। कहाँ गई? कहाँ गई? तुझे दिख रही? गरी गई उधर पीछे पकड़ना। हमारी पूड़ियाँ बन गई हैं, लच्छ खा रहा है और लड्डू भी खा रहा है बैठ के, क्योंकि उसको भी भूख लगी है और उसने कर ली थी पॉटी, और तो अभी उसकी पॉटी वगैरह साफ करके वो खा रहा है। चलो अपन खाते हैं खाना साथ में। चम्मच ले लो जानू दो। चलो आज मेरी पतिदेव मुझे खाना खिलाएंगे। अच्छा हाँ, भूख मुझे लगाओगी तुम? आ जाओ। अच्छा इन्होंने क्या बोला यार, बहुत बेकार पति है। इन्होंने आज क्या बोला? यार मैं बोल रही थी कि यार मैंने कोई बात थी, तो मैंने बोला कि यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है सारे दिन भूखे प्यासे रह के। इन्होंने क्या बोला कि मेरे लिए किसी ने नहीं रखा, सबने अपने लिए रखा है। सब औरत अपने लिए रखती है, पति के लिए कोई नहीं रखता है। क्यों ऐसा? क्यों पति के लिए रखते हैं वो, तो पति अगर छोड़ देता तो वही रखोगी? इन्होंने ये बोला कि सब पैसों के लिए। और क्या या इन्होंने बोला सब पैसों के लिए रखते हैं, अगर तुम ऐसे ही प्यार करने वाले हो तो व्रत रखो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मतलब तुम्हारा खर्चा नहीं करूंगा, फिर देखता हूँ मैं। तो यार ऐसे ही करते हैं, चलो इनकी मस्ती मजाक हमेशा चलती रहती, कभी भी ये सीरियस नहीं होते, चाहे करवा चौथ हो, चाहे व्रत रखो, चाहे सुबह से भूखे रहो प्यासे रहो। चलो जानो खाना खाते, मिठाई मैं नहीं लूंगी। आज मेरे पतिदेव ने लगाई है थाली। चलो पतिदेव मैं ले आऊंगी। चलो खीर पूड़ी सब्जी ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बनाया हमने, क्योंकि आज व्रत वाले दिन ना फिर ज्यादा खा नहीं सकते। और आपने नोटिस किया होगा करवा चौथ के दिन दिवाली पे कोई भी ऐसा त्योहार होता है ना, तो मैं घर पे ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि बाहर ऐसे रेडी वेडी होके नहीं जाया जाता और फिर लेट भी हो जाते हैं, तो घर पे ही ठीक लगता है, तो इसलिए, क्योंकि वैसे भोग के लिए तो बनाते ही है ना, तो इसलिए। तो चलिए हम खा लेते हैं खाना, अपना व्रत तोड़ लेते हैं। पानी तो ऑलरेडी मैंने पी लिया, तो और पी लेती हूँ यार। अभी 12:15 समथिंग हो रहा है, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, लड्डू सो गया है, मैंने कुछ रील्स बनाई थी, फिर मैंने सोचा था कि अभी टाइम तो मिल नहीं पाता ऐसे रेडी वेडी होकर, मैं बहुत कम रील बनाती हूँ, तो ये सारी रील आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेंगी। मेरी आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से। मेरा करवा चौथ का ब्लॉग कैसा लगा आपको और आपका कैसा रहा करवा चौथ ये मुझे ज़रूर बताना। और हाँ मेरी साड़ी कैसी लग रही ज़रूर बताना, और मैं बहुत सारी साड़ियाँ लेके आई हूँ, लेकिन जब अब मैं पहनूंगी ना तब आपको मैं दिखा दूंगी, क्योंकि ऐसे पर्सनल ब्लॉग तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अभी रेडी नहीं हुई साड़ियाँ मेरी, तो आराम आराम से करूंगी, दिवाली तक हो जाएंगी। और दिवाली पे क्या पहनूंगी ये मुझे अभी तक नहीं पता है। और हाँ ब्लॉग का एंड करते करते मैं आपको बता दूँ कि करवा चौथ का गिफ्ट मेरा अभी तक पतिदेव ने नहीं दिया है, देंगे भी कि नहीं देंगे मुझे नहीं पता, बट मैं लेके ही मानूंगी। जैसे कि आपको पता है कि यार गोल्ड तो बहुत महंगा है, तो मैं कुछ ना कुछ तो लूँगी, ऐसा नहीं है, तो मैं हो सकता है दिवाली और करवा चौथ का मिक्स करके ले लूँ, देखो क्या होता है, आगे आपको बता दूँगी, लेकिन गिफ्ट जरूर लूँगी। यार यही तो होता है ना, एक करवा चौथ पे ही तो हमें मौका मिलता है कि जब पतिदेव हमको गिफ्ट देते हैं ना, तो इस बहाने से गिफ्ट भी मिल जाता है। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मुझे ये बोलते हैं यार तुम लाती हो तो फिर गिफ्ट का क्या मतलब है, मतलब तुम ले तो आती हो, पैसे ले लेती हो, फिर पैसे मैं दे देता हूँ, पर जरूरी थोड़ी है कि मैं लेके आऊँ तुम्हें पसंद ना आए। लेकिन अब की बार मैं गिफ्ट लूँगी, पसंद मैं ही करूँगी, वो पसंद नहीं करेंगे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यार क्या होता है हम गर्लफ्रेंड तो है नहीं, वाइफ हैं, पैसे घर से ही लगते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, टेंशन हो जाएगा उनको भी मुझे भी, तो इसलिए
चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मैं सारी चीज़ें अपनी निकाल देती हूँ। मेरे कंगन कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताना आप लोग। फर्स्ट टाइम पहने हुए हैं मैंने, और ये वाली मेहंदी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। और पहले सब लोग ना ऐसे निकालते थे, अभी हमारे परिवार में सब बहुएँ ऐसे ही लगाने लगी हैं। मतलब पहले ऐसी नहीं लगाती थी, हमेशा वो लगाती थी मतलब अरेबियन टाइप की और जो भी होती है ना लगाने वाली, और बड़ी बिंदी में लगाती थी ना, सब टोकती थी, और अभी सब लगाती हैं। तो परिवार की बात नहीं कर, मैं हर जगह की बात कर रही हूँ। जो दूसरों को टोकते हैं ना, वो काम खुद नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा ही होता है, दूसरों को मना करते हैं और खुद करते हैं। तो ऐसे ध्यान मत दीजिए, जो आपका मन है वो कीजिए, मेरा तो यही है मानना, मैं तो वही करती हूँ। चलिए बाय बाय। तो रात के 12 बजने वाले हैं, दोनों बच्चे हमारे सो गए हैं, और ये पान लेके आए थे हर साल की तरह, तो भूल गए थे, तो बोल रहे थे यार पान तो भूल ही गए। तो अभी हम दोनों खा रहे हैं पान। करवा चौथ के दिन ऐसा मतलब माना जाता है कि पान खाते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ खाते हैं कि नहीं खाते, मुझे ज़रूर बताना। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।